तो हेलो फ्रेंड, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मार्केट जैसा सैंड पेपर को घर पे खुद से बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये जो सैंड पेपर है बिल्कुल मार्केट जैसे सैंड पेपर की तरह ही वर्क करेगा। तो फ्रेंड, इसकी खास बात यह है कि हमने इसको काफी ज्यादा कम खर्चे में बनाया और आप इसको घर पे पड़ी वेस्ट चीजों से बना सकते हो। निकाली मुन्ना पे लगला। तो फ्रेंड, वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने इसको किस टाइप से बनाया। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लकड़ी के टुकड़े का यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास इस टाइप का लकड़ी का टुकड़ा आपके घर पे आसानी से मिल सकता है, इसलिए नहीं तो आपको सैंड पेपर से भी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास खराब सैंड पेपर हो तो आप इसके पीछे देखिए यूज कर सकते हो उस पर लगा करके। तो आपके पास होगा नहीं तभी आप इस वीडियो को देख रहे होगे। तो देखिए, इसको हम साइड में रख देते हैं और हम इस लकड़ी के टुकड़े का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें चाहिए देखिए फेविकोल, तो ये हमारे घर पे पुराना पड़ा था तो इसका हमने यूज कर लिया है। अगर आपको मार्केट में खरीदने जाते तो आपको 15 रुपये मिलेगा। तो आप सोच रहे होगे कि अगर ये 15 रुपये का मिलेगा तो हम 10 रुपये का सैंड पेपर नहीं खरीद लेंगे। तो गाइस, इतने फेविकोल से तो आप पूरे सैंड पेपर की दुकान खोल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, बहुत ही थोड़ा सा जो है कि फेविकोल लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है कि रेड कलर का जो बालू आता है उसका हमने यूज़ किया है। तो कुछ इस टाइप से आपको मिल सकता है, आप सफ़ेद बालू का भी यूज़ कर सकते हो, पर जो रेड वाला होता है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको देखिए हमने कर लिया। आप जो फेविकोल है इसको हम देखिए जो लकड़ी है उसमें हम लगा कर पोतने वाले हैं। तो चलिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस टाइप से हम इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी व्हाइट क्रीम को निकालेंगे और लकड़ी का फेसियर करना शुरू करेंगे। तो जब तक हम इसका फेसियर कर रहे हैं तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ठोकते चलिए और अपनी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दीजिए, जिससे कि आपको भी वीडियो देखने में मजा आएगा और हमको भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। चलिए हम इसका फेसियर करते हैं और आप वीडियो का मजा लेते रहिए। तो इसको हमने गोरा कर दिया और अब देखिए ये मुंह दिखाने के काबिल हो चुका है। तो अब देखिए हम इसके ऊपर बालू इसके मुंह पे लगा देंगे, जिससे कि और सुंदर दिखने लगे। तो देखिए, इसके ऊपर हम बालू इस टाइप से लगाएंगे। तो जिस टाइप से हम इस पे लगा रहे हैं इसी टाइप से आपको भी लगाना है, और आपको जो बालू है थोड़ा मोटा मिल जाए तो और भी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको हमें देखिए फेविकोल में आपको कंजूसी नहीं करनी, इसका अच्छे से हमें फेसियर कर देना है। तो इस पर देखिए कुछ इस टाइप से हमें लगाना है और देखिए इसको हमें थोड़ा धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए, इसको हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और आपसे 3 घंटे बाद मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने सुखा दिया और इसका देखिए फेसियल जो हमने किया था धूप में सूखने के बाद फिर से काला पड़ चुका है। तो अभी आपको फिर बाद में कभी करके दिखाएंगे इसका फेसियल। तो देखिए जो है कि अच्छे से छूट नहीं रहा है, आप देख सकते हो इसको रगड़ने पे हाथ से इसका बालू जो बाहर नहीं निकल रहा है, एक आग जो बड़े बड़े दाने हैं वही देखिए 1-2 निकल जा रहे हैं। और देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए चिपक चुका है। और आप हमने 3 घंटे सुखाया था, आप इसको 1 दिन धूप में पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम है उतना अच्छे धूप नहीं होती है। तो अब देखिए हम पीवीसी पाइप की सीट लेंगे और इस पर रगड़ के आपको दिखाते हैं किस टाइप से वर्क करता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से देखिए घिस रहा है। तो चलिए हम घिस के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए देखिए थोड़ा थोड़ा कर रहा है, अभी हम आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और देखिए इसको हमने घिस दिया और देखिए आपको हमने देखिए पूरा लाइव दिखाया, वीडियो हमने कहीं पे बीच में कट नहीं किया है, जो कि आप देख सकते हो। अब हम देखिए आपको जो कि लोहे होते हैं उनका देखिए जो जंग लग जाती है उसको हम छुड़ा कर आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा यकीन हो जाए। तो चलिए हम इसको रगड़ के फिर आपको दिखाते हैं किस टाइप से वर्क करता है। तो आप देख सकते हो इसको हमने सैंड पेपर की सहायता से घिस दिया। तो आपको कैमरे में उतना अच्छे से देखिए दिख नहीं पा रहा हो, देखिए फिर भी इसमें देखिए आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चमक आ चुकी है, तो आपको दिख रहा होगा शायद। तो अगर आप इसको ज़्यादा समय तक जो है कि रगड़ते हो इसमें तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग इसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर ठोकिएगा। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने वीडियो को हमारे यहाँ तक देखा है। क्योंकि चैनल पर प्रमोशन चल रहा है, उसमें हम एक लोगों का प्रमोशन करने वाले हैं इस चैनल से, एक लोगों का प्रमोशन दूसरे चैनल से करने वाले हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे सेकंड चैनल का, जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।